दर्शकों नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथ दर्शक सुविचारमाला के साथ। पथ दर्शक सुविचार माला जीने की राह के बाद अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। सर्वप्रथम रूबरू होंगे बुलेटिन के सुर्खियों से। अभी आपने देखी बुलेटिन की सुर्खियां, अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तपश्चात देखेंगे खबरें विस्तार से। आइए अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। जलगांव निवासी एक परिवार, पति पत्नी और एक छोटा बच्चा, ये तीनों काम के तलाश में अमरावती आए और नांदगांव पेट मार्ग पर स्थित गोपी रेस्टोरेंट में संबंधित शख्स कुक का काम करने लगा। लेकिन काम के पैसे मांगने पर रेस्टोरेंट मालिक ने पीड़ित सोनने दंपत्ति से मारपीट की और कुक दीपक सोनने की पत्नी का विनय भंग भी किया। इतना होकर भी नांदगांव पेट पुलिस ने भुक्तभोगियों की शिकायत दर्ज कर लेना तक उचित नहीं समझा। आखिर यह सोनने दंपत्ति मंगलवार को सीधे पुलिस आयुक्तालय से मिले और अपनी व्यथा सुनाई। गोपी रेस्टोरेंट का संचालक आपराधिक प्रवृत्ति वाला है तथा उसके इस ढाबे को गांव वालों का कड़ा विरोध है, इसलिए वहां काम करने के बजाय दूसरा काम देखने का मन फिरादी दीपक ने बनाया था। इसलिए उसने काम के पैसे मांगे तो बदले में मारपीट और उसके पत्नी का विनय भंग हुआ। अब सीपी साहब भी हमें न्याय दे, यह कहना उस पीड़ित परिवार का है। सर, मैं जलसा हॉटेलला पहिले काम करत होतो, त्यांना म्हटलं मला बा तुला एक महिन्याचा पगार आम्ही जास्त देऊ, त्यांना मी जलसा हॉटेल बुकिंग केली, 17 दिवस जलसामध्ये काम केलं मी। मग इकडे आलो गोपी रेस्टॉरंटला, गोपी रेस्टॉरंटला कामाला आलो, तिथं कसं रोज आजूबाजूवाल्यांच्या तक्रार झाला होता, त्याच्यामुळं आजूबाजूच्या तक्रार आपल्याला पसंत नाही, आपण बाहेर गावचे बा आपण तक्रारमध्ये पसत नाही। तर मी हॉटेल सोडलो, म्हटलं मी काम करतो माझे पैसे बाकीचे 26 रुपये, मी 26 रुपये घ्यायला गेलो, 3 दिवसापासून मला घुमळती मानेला प्लॉटला आहे, तिथं ये माझ्या घरी ये असं सांगत होती ती। मग तिथं आम्ही दोघं जण पैसे मागायला गेलो, तर मग मी घरी गेलो, घरी आल्यावर दोघं मुलगा आणि तिची बहीण, मुलगानं जर चाकू काढला इथं मारला, जखम पण आहे सर, आणि माझी मिसेस हॉटेलमध्येच होती, तर मिसेसला ब्लाऊज वगैरे फाडलं होतं। मी नांदगाव पेठला गेलो, नांदगाव पेठला म्हणे तुझे पैसे असेल तर पैसे घेऊन घे म्हणे बाकीचे, तर मग त्यांना एक कागद लिहला, त्यांचा बी माझ्या बी 2 सह्या घेतल्या आमच्या सचिन माई, त्याचा आता काय मागणी आहे तुमची? काय मागणी सर, त्यांच्यापासून धोका आहे आम्हाला, राज्यभर में 4 जुलाई से शाला बाह्य बच्चों का सर्वे हुआ और सोमवार को महकमे ने स्कूल ना जाने वाले बच्चों के सरकारी आंकड़े जारी किए। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ अमरावती जिले की ही बात करें तो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि पूरे जिले में सिर्फ 467 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते। बताइए क्या ये आंकड़ा सही हो सकता है? महानगर और जिले में सैकड़ों बच्चे दिन भर गली गली उछल कूद करते दिखाई देने और बाजार में अक्सर चाय खोमचों से लेकर निर्माण कार्यों पर मेहनत मजदूरी करते हुए नजर आने की हकीकत से सभी वाकिफ रहने के बीच जिले में शालाओं से दूर रहने वाले बच्चों की संख्या उंगलियों पर गिनने लायक पाई गई है। नतीजतन राज्य सरकार द्वारा शनिवार को काफी तामझाम के साथ शालाबाह्य बच्चों की संख्या को लेकर करवाए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर जानकार भी आश्चर्य जता रहे हैं। अमरावती महानगर पालिका और जिले की 14 पंचायत समितियों की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को पूरे दिन चले सर्वेक्षण के दौरान जिले में केवल 467 बच्चे ही शाला बाह्य पाए गए। मसलन जिले में 500 से भी कम बच्चे हैं जो स्कूलों में नहीं जाते। बताइए क्या ये आंकड़े सच हो सकते हैं? इन आंकड़ों में भी
जमीन आसमान का अंतर मिला है। अमरावती जिला परिषद के प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के हवाले से 4 जुलाई को करवाए गए सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक अमरावती मनपा क्षेत्र में सिर्फ 40 बच्चे ही शाला बाह्य पाए गए, लेकिन मनपा की रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख की आबादी वाले अमरावती बडनेरा में शालाओं में ऐसे बच्चों की संख्या 155 है। फिर इन आंकड़ों पर भरोसा करें तो करें कैसे, क्योंकि जिले में सिर्फ 467 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते, ऐसा सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। तो फिर वे बच्चे कौन है जो गली मोहल्लों में दिखते हैं, कैंटीन, गैरेजों, दुकानों पर काम करते हैं? इस सर्वेक्षण पश्चात जो आंकड़े सामने आए हैं उनसे कहीं ज्यादा तो बाल मजदूर कार्यरत होंगे। बता दें कि जिले की 14 तहसीलों के कुल 1627 गांवों में 4,98,110 परिवार निवास करते हैं। इन परिवारों तक पहुंचकर शाला बाह्य बच्चों की तलाश के लिए ग्रामीण में 5,348 प्रगणक, 287 जोनल अधिकारी और इन पर नियंत्रण रखने के लिए क्रास 1 श्रेणी के 18 अधिकारियों को तैनात किया गया था। एक बात और की बता दें कि सरकार ने गणित, विज्ञान और अंग्रेजी की पढ़ाई न करने वाले मदरसों के बच्चों को भी शाला बाह्य करार दिया है। इन स्कूलों को मदरसों की मान्यता नहीं। सर्वेक्षण में इन बच्चों को शामिल किया जाना चाहिए था। शहर में ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या हजारों में है और रिपोर्ट देखकर लगता नहीं कि इन बच्चों को इस सर्वे में शामिल किया गया हो। पुलिस अधीक्षक दफ्तर के अपराध शाखा ने जिले भर में हाथ भट्टी के शराब के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया है। ये जानकारी देते मंगलवार को बताया गया कि चंद घंटों पहले ही उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है। जिले के मंगरूर दस्तगीर पुलिस थाने के हद में कार्रवाई कर पुलिस ने 35 ड्रम देसी हाथ भट्टी की शराब नष्ट कर दी। नदी किनारे पर 4 से 5 किलोमीटर अंदर यह गांवटी शराब की भट्टी थी जो उध्वस्त करा दी गई है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। न्यूज बुलेटिन में अभी एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ, ब्रेक के बाद खबरें और भी है। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य खबरों पर। शहर में हो रहे टैक्स कर वसूली को अंग्रेजों वाली पठानी वसूली करतूत करार दिया जा रहा है। मनपा के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण हरमकर, इन्होंने इस वसूली को तत्काल रोकने की मांग निगमायुक्त से की। इस वक्त घमासानी चर्चा निगमायुक्त और प्रवीण हरमकर इनमें हुई। अमरावती शहर में मनपा द्वारा जिस आक्रामकता से टैक्स की वसूली हो रही है वह नीति अंग्रेजों के काल की नीति प्रतीत होती है। इस शहर में ऐसा हरगिज नहीं चलेगा, इस भाषा में मनपा के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण हरमकर ने मनपा के पठानी टैक्स वसूली का विरोध किया। आपण काय झालं का अंग्रेज अंग्रेज कसे होते, अंग्रेज आपल्या जसा ते लोक चांगले आपण जसं काही लोकांना तसंच परमिशन आता 300 फूट आहे बांधकाम, 300 फुटांवर साहेब मग तुम्ही एवढं सांगा 300 फुटाच्या प्लॉटवर परमिशन मिळते का? झोपडपट्ट्या शहरामध्ये अशा पुष्कळ ठिकाणी जिथं लोकांचे घर बांधणं झालेले आहे काही वर्षापासून चाललं, ह्या भाग नाही आपल्या त्यातून रस्ता काढा, आपला जो उद्देश नाही का त्याच्यामध्ये कुणाचं नुकसान झालं पाहिजे, आपला महानगरपालिका तोटा झाला पाहिजे, हा भाग नाही। कसं होणार माहितीये का, आपण एखादा लहानचा कर्मचारी पगार घालून घरी जाय सस्पेंड नाही। निगमायुक्त चंद्रकांत गुडेवार इनसे एक निवेदन पत्र में यह वसूली रोकने की मांग प्रवीण हरमकर इन्होंने की, जिस पर निगमायुक्त और प्रवीण हरमकर में घमासानी चर्चा हुई। 3 दिन का अल्टीमेटम इस पठानी वसूली पर विरोधी पक्ष नेता ने दिया है। आम नागरिकों को रात में भी बिजली नहीं मिलती, किसानों के कृषि पंपों को बिजली ना मिलने से किसानों की फसल बर्बाद होती है, लेकिन हमारे महकमे के आला अफसरों को ऐसी किसी दिक्कत का सामना करना पड़े तो वे समझेंगे कि त्रासदी क्या होती है, लेकिन उन्हें तो 2400 घंटे बिजली चाहिए। बिजली की हानि ये करे तो भी चलता है, नियम सिर्फ आम आवाम के लिए ही है। यही सच्चाई बयां कर रहे हैं यह दिन में भी जलने वाले स्ट्रीट लाइट। अमरावती संभाग के चीफ संभागीय आयुक्त का यह बंगला है जिसकी तमाम स्ट्रीट लाइटें दिन में भी शुरू रहती है, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता। उनका बगीचा, उनका घर और परिसर
दिन में भी स्ट्रीट लाइटों के उजाले से रोशन रहता है। शायद उन्हें छूट मिली है बिजली की हानि करने की, या तो उन्हें इसकी परवाह ही नहीं है, नहीं तो ऐसा कतई नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी ने झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। राज्य सरकार ने भी यही अभियान मंत्रालय से गांव खेड़ों तक चलाने का ऐलान किया, लेकिन मिनी मंत्रालय का दर्जा प्राप्त जिला परिषद में शायद यह आदेश पहुंचे ही नहीं है। अमरावती जिला परिषद की गंदगी देख यहां पानी पीने तक का मन नहीं होता। जहां पीने का पानी है वह जगह भी कूड़ेदान जैसी हो चुकी है। अब जरूरत है कि सबसे पहले सभी सरकारी दफ्तरों अस्पतालों में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाए। हिम्मत और हौसला हो तो डर के आगे जीत पक्की है। हमारे एक दर्शक ने यह वीडियो हमें भेजा है, आप यह वीडियो जरूर देखिए। देखिए कैसा एक छोटा सा बकरी का बच्चा अपने से कई गुना बड़े बैल से पंगा ले रहा है। बैल भी बेचारा सोचता रह गया होगा कि इसे क्या मारूं। आखिर वो बैल इस बच्चे के लड़कपन के आगे झुक गया और उसने अपनी जगह छोड़ दी। इस बकरी के पिल्ले के हिम्मत की दाद देनी होगी और इस बैल के दया भाव की भी। इस वीडियो से सीखना चाहो तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। अमरावती शहर के समाजसेवी लपिसेट जाजुदिया ने मनपा को 3000 बड़े वृक्ष दान में दिए हैं। इन वृक्षों का रोपण शहर भर हो रहा है, जरूरत पड़ी तो और भी वृक्ष लाएंगे, ऐसा मनपा ने जाहिर कर शहर में वृक्षारोपण अभियान प्रभावी रूप से पूरा करने का मानस व्यक्त किया है। चंद दिनों पहले ही मनपा ने शहर के माल टिकड़ी पर वृक्षारोपण कर शहर में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। सीधे बड़े पौधों का रोपण मनपा कर रही है और यह 3000 बड़े पेड़ मनपा को समाजसेवी लपिसेट जाजुदिया से दान में मिले हैं। इन पेड़ों में से फलों के पेड़ों का रोपण माल टिकड़ी पर और बचे पेड़ शहर भर लगाने का मनपा का नियोजन है। जरूरत पड़ी तो और पेड़ लाने की तैयारी भी मनपा ने दर्शाई है। गौरतलब रहे कि यह 3000 पेड़ 11 लाख रुपयों के हैं। लपिसेट के इस दानशूरता का दूरगामी असर अमरावती शहर पर होगा और शहर हरा भरा दिखेगा। अमरावती शहर में होर्डिंग्स और पोस्टरों का ऐसा जाल बन गया है जिस मकर जाल में पूरा शहर बेनूर लगने लगा है। कोई भी आकर कहीं भी पोस्टर चिपका जाता है या होर्डिंग्स खड़ा कर जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि निगम आयुक्त गुड़ेवार ने सिटी न्यूज को बताया कि वे शहर में नो होर्डिंग्स जोन बनाने जा रहे हैं। शहर में कहीं पर भी पोस्टर चिपकाने वाले और होर्डिंग्स लगाने वालों की अब खैर नहीं। निगम आयुक्त गुड़ेवार का अगला लक्ष्य अब पोस्टर मुक्त शहर है। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का अचूक प्रस्ताव निगमायुक्त तैयार कर रहे हैं। 15 जुलाई तक यह प्रस्ताव सरकार तक पहुंच जाएगा। निगमायुक्त गुड़ीवार ने सिटी न्यूज को बताया कि सरकार स्तर पर अमरावती के चयन के लिए खुद मुख्यमंत्री भी आग्रही है, इसलिए खबर अच्छी ही मिलेंगी, लेकिन शहर का हाल सुधारना भी बेहद जरूरी है, इसलिए वे शहर में नो होर्डिंग जोन बनाने जा रहे हैं। शहर भर हर जगह 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 बड़े बड़े फ्लैग्स होर्डिंग्स बैनर पोस्टर्स दिखते हैं। इन पोस्टरों होर्डिंग्सों का ऐसा पक्का मकरजाल शहर में बुन गया है जिसके पीछे शहर की सुंदरता छिप गई और शहर बेनूर बन गया। यह बेनूरी अब बर्दाश्त नहीं होगी। पोस्टर होर्डिंग्स लगाने के नियमावली का उल्लंघन कड़ी कार्रवाई का सामना करवाएगा, ऐसी नीति मनपा की रहेगी, ये दावा निगमायुक्त चंद्रकांत गुड़ेवार ने सिटी न्यूज से किया।
शहर के नागपुर गेट मनपा उर्दू स्कूल में स्कूली छात्रों को शैक्षणिक साहित्यों का वितरण मंगलवार को किया गया। माननीय अतिथियों की उपस्थिति में यह स्कूली साहित्य वितरण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। शहर के नागपुर गेट स्थित मनपा उर्दू स्कूल में मंगलवार को छात्रों में शैक्षणिक साहित्यों का वितरण किया गया। मनपा विरोधी पक्ष नेता प्रवीण हरमकर, मुख्याध्यापक जाकिर सर, अतिथि काजी अब्दुल आदि मान्यवरों की उपस्थिति में यह शैक्षणिक साहित्य कक्षा नर्सरी से सातवीं तक के छात्रों में बांटे गए। स्कूली साहित्य पाकर छात्रों के चेहरे भी खिल आए थे। विगत दिनों जब जोरदार बारिश हुई थी उस दौरान शहर के राजकमल चौराहे के ट्रैफिक सिग्नल पर बिजली गिरी थी। तब से लेकर आज तक राजकमल का ट्रैफिक सिग्नल बंद ही है, जिसे अब तक सुधारा नहीं जा सका है। विगत दिनों बारिश बरसी, बारिश तो बरस कर ठहरे जमाना हो चुका है, लेकिन इसी बारिश दौरान एक ट्रैफिक सिग्नल जो बंद पड़ गया उसे अभी तक सुधारा नहीं जा सका है। यह ट्रैफिक सिग्नल है शहर के हार्ट ऑफ सिटी के नाम से मशहूर राजकमल चौराहे का ट्रैफिक सिग्नल। विगत बारिश के वक्त इस सिग्नल पर घास गिरी थी, तब से यह सिग्नल बंद है। अब तक यह सिग्नल सुधारा नहीं गया है, जिससे इस मुख्य चौराहे की यातायात मैनुअल कंट्रोल पर ही निर्भर है। नगर परिषद संकुल अंजनगांव सूरजी के संकुल में दुकान लेने वाले दुकानदार अजब कश्मकश में है। यहाँ के सभी दुकानदारों को दुकानें खाली करने के नोटिस प्रशासन ने थमाए हैं, जिस पर तमाम दुकानदार घबरा गए और उन्होंने नगर परिषद संकुल के दुकानदारों को मियाद बढ़ाकर दी जाए यह पुरजोर मांग की। सोमवार के शाम शहर के रहमत नगर में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। इस रोजा इफ्तार पार्टी में निगम आयुक्त चंद्रकांत गुड़ेवार भी शरीक हुए थे। सोमवार को रहमत नगर के फुटबॉल ग्राउंड पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। मनपा आयुक्त चंद्रकांत गुड़ेवार और कई मान्यवर अतिथिगणों की मौजूदगी में रोजदारों ने रोजा इफ्तार किया। रोजा इफ्तार पश्चात अमन और भाईचारे की दुआ मांगी गई। दास्तान अमरावती के आज के कड़ी में आज देखेंगे जैन दिगंबर परवार पंचायती मंदिर की दास्तान। नमस्कार, आज दास्तान अमरावती में प्रस्तुत है श्री जैन दिगंबर परवार पंचायती मंदिर। स्वर्गीय श्री भीमराव जी कारंजकर द्वारा लिखित अमरावती का इतिहास में पुरातन अमरावती का करीब 900 वर्षों का इतिहास निहित है। उसके अनुसार इलिशपुर वराड में जैन राजा इल का राज्य था। राजा श्रेय से इस विभाग में जैन समाज का अस्तित्व रहा। जैन समाज की 108 शाखाएं हैं। अधिकांश मध्य प्रदेश बुंदेलखंड से व्यापारार्थ उनका आगमन अमरावती में हुआ। यहाँ बसे इमानो एतबार से व्यापार काम धंधा किया। जो जो समृद्धि बढ़ी त्यों त्यों धर्म में अटूट आस्था होने से नगर में मंदिरों का निर्माण जारी हुआ। दस्तावेजी पूर्ण पुरावे तो उपलब्ध नहीं है, किंतु इस दौरान श्री जैन दिगंबर परवार पंचायत मंदिर की स्थापना हुई। पवित्र वातावरण, सुंदर मूर्तियां, उत्कृष्ट निर्माण के कारण यह मंदिर भाविकों की परम आस्था का केंद्र बना है। दास्ताने अमरावती, प्रस्तुति अशोक भाई जोशी। आइए अब देखते हैं आज का कार्टून कोना। न्यूज बुलेटिन में बारी है मौसम समीक्षा की, देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। बात करें बुधवार की तो बुधवार को
शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो दर्शकों, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देंगे न्यूज बुलेटिन को विराम। न्यूज बुलेटिन को विराम देने से पहले नजर डालेंगे बुलेटिन के अब तक के सुर्खियों पर। चलिए अब लेते हैं आपसे विदा। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित। हमारा पता, सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लेन, साकर 7, अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक 257032 छे। हमारी वेबसाइट एड्रेस है www.citynews.net.in। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज। कुछ और ताजा तरीन खबरों को लेकर जल्द हाजिर होते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।